सफेद रतुआ रोग। ये अक्सर मृदुल रोमिल आसिता के साथ ही आता है। इस रोग में पत्तों के निचली सतह पर सफेद या फीके पीले रंग का उभार उत्पन्न होता है, जिसे पत्ते के ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे से पहचाना जा सकता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से तना और पुष्प क्रम में सूजन के साथ विकृति भी आ जाती है, जिसे स्टैक हेड के नाम से भी जानते हैं। मृदु रोमिल आसिता सामान्यतः अत्यधिक नमी वाले मौसम में पौधा उगने के 10 से 15 दिनों बाद आता है। सबसे पहले गाढ़ी सफेद रंग के धब्बे पत्तियों के निचली सतह पर उत्पन्न होते हैं। नमी और ठंड के मौसम में उन धब्बों पर रुई जैसा आवरण फैलता है और अंत में डंठल तथा तने मुड़ जाते हैं। सफेद रतुआ और मृदु रोमिल आसिता, इन दोनों रोगों के प्रबंधन के लिए ये जरूरी है कि आप फसल की बुआई सही समय पर करें। इन फसलों के लिए आमतौर पर 10 से 25 अक्टूबर तक सही समय होता है और कीटाणुओं के संवहन को रोकने के लिए उन पौधों के बीजों की ही बुआई करें जिन पर स्टैक हेड ना बना हो। खेत को खरपतवार रहित रखें, अधिक सिंचाई ना करें। इसके अलावा पिछले फसलों के अवशेषों को, खासकर स्टैक हेड को, नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशक के तौर पर रिडोमिल एमजेड 78 WP या मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर अधिकतम 3 बार छिड़काव करना चाहिए।